यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई घटना के विरोध में वाम दलों ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का पुतला फूंका है। सीपीआई सीपीआईएम के नेताओं ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र की ओर से सुनियोजित साजिश के तहत लोगों को कुचलने का काम किया गया है। प्रतिवादवाद के द्वारा पूरे देश में ये मांग कर रहे ये मोदी सरकार तुम शरण करो, ऐसे कैबिनेट मंत्री को बर्खास्त करो, अन्यथा ये आंदोलन जारी रहेगा और उसके बेटे को सरकार हत्या के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेजो। में जो किसान प्रतिरोध कर रहे थे उस पर केंद्रीय मंत्री के बेटे के द्वारा गाड़ी चढ़ा के कुचल कर हत्या करने के विरोध में ये हम लोग जो है प्रतिरोध कर रहे हैं और ये केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसे कैबिनेट मंत्री जो कि लोकतंत्र की हत्या करता हो, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं उस पर गाड़ी से कुचलवाने का काम अपने पुत्र के द्वारा करवाता है, अपने समर्थकों के द्वारा करता है और किसानों की हत्या करता है, ऐसे कैबिनेट मंत्री को कैबिनेट में रहने का कोई जगह नहीं है, उसको तत्काल प्रभाव से आप बर्खास्त करें। दूसरी चीज़ ये कहना है कि उनका जो पुत्र है जिन्होंने गाड़ी चढ़ाया उस पर 302 का मुकदमा दर्ज करके उसको तत्काल प्रभाव से जेल में डालने का काम करें और जो ये सरकार है योगी मोदी की यहाँ के किसानों की रक्षा की गारंटी दे और लोकतंत्र की हिफाजत की बात करे, ना कि लोकतंत्र की गरिमा को उखाड़ने का काम करे। संविधान हमें लोकतांत्रिक अधिकार देता है तो देश संविधान से चलता है, ना कि व्यक्तिवाद से चलता है। इसलिए पूंजीपतियों के इशारे पर देश चलाना बंद करें और किसानों का जो वार्ता करना शुरू करे, आन तीनों कृषि काला कानून को वापस ले और केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त करें, उनके बेटे को गिरफ्तार करें, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।